फाइनली मैंने आईफोन 13 परचेस कर लिया है। जी हाँ, मैंने आईफोन 13 परचेस कर लिया है। सो ये गाइस, आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देना है। तो हम लोग ने जो आईफोन ऑर्डर किया था, फाइनली यार डिलीवरी बॉय ने डिलीवर कर दिया। तो यहाँ पर पैकेजिंग में आप लोगों को कैमरा बैक करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग इसका एक शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, फिर उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं। ओके, तो पहले आप लोग देख लीजिए। तो पैकेज को हम लोग अभी चलते हैं यहाँ पर ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अभी पैकेज को ओपन करते हैं। चलिए लेट्स अनबॉक्स। उससे पहले मैं एक शॉर्ट वीडियो बना लेता हूँ। ओके, तो गाइज ये रहा हम लोग का बॉक्स। तो मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ, ओपन कर देता हूँ। और ये कुछ ये ऐसा टाइप का पैकेजिंग क्यों है भाई? तो गाइज एक मिनट, मैं इसको पैकेज को ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर कुछ अजीब टाइप का फील हो रहा है। ये बॉक्स लगता है ओपन क्या हुआ है। मैंने पैकेट को फाड़ दिया। आईफोन कहाँ है? हैं, आईफोन कहाँ है? मैं स्टिकर्स दे दिया और चार्जर। आईफोन कहाँ है गाइस? यहाँ पर आईफोन नहीं है। सो गाइस, आप लोग के साथ भी अगर ऐसा ना हो तो आप क्या कीजिएगा, जब भी यहाँ पर ऑर्डर आता है तो आप लोग इसको ओपन बॉक्स डिलीवरी सिस्टम है तो आप लोग उस डिलीवरी बॉय के सामने उसके फोन से या फिर आपके पास स्मार्टफोन है तो उसके स्मार्टफोन से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। और ये एक जोक था गाइस, आईफोन तो मेरे पास है, ये रहा। तो फाइनली मैंने आईफोन 13 औकात से बाहर बोल दिया, लेकिन आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो बहुत कुछ होगा। तो आईफोन 11 फाइनली हम लोग ने खरीद लिया है और इसका बहुत जल्द अनबॉक्सिंग वीडियो आने वाला है। मे बी आप लोग बोल सकते हैं कि भाई 1-2 दिन में आ जाएगा, अगर ये वीडियो पे आप लोग अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखाते हैं। इससे पहले 2 वीडियो पे मैंने शॉर्ट वीडियो बना दिया, तो आप लोग जाके उसको देख सकते हैं चैनल पे। और गाइज मैं आप लोग को बता देता हूँ, मैंने इसको लगातार एज ए प्राइमरी डिवाइस मैंने इसको लगातार आप लोग कह सकते हैं 20 डेज से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। मुझे इसका रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया लगा, बहुत स्मूथ है। अभी तक मैंने इसमें गेमिंग टेस्ट नहीं किया है। तो अगर आप लोग पूरा वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और गाइज इसका प्राइस क्या था मैं बता देता हूँ आप लोग को अभी। तो इसका प्राइस मेरे को अराउंड पड़ा था 30,028 रुपीज, बिकॉज यहाँ पर जो आईफोन 14 आ गया तो इसका प्राइस थोड़ा सा घट गया। एप्पल ने ऑफिशियली इसको डिसकंटिन्यू कर दिया, मतलब इसका अब कोई मैन्युफैक्चर नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि इसका अगर पार्ट्स कुछ खराब हो जाए तो आप लोगों को मार्केट में नहीं मिलेगा, आप लोग को इसका सर्विस अपडेट्स जो लगातार 5 ईयर्स तक रहता है इसमें अपडेट्स रहेगा। और मैंने इसको व्हाइट कलर में ऑर्डर किया, तो मैं आप लोग को कलर दिखा देता हूँ, बिकॉज मैंने इस पर कवर चढ़ा दिया, समझ सकते हो गाइस महंगा चीज़ है। और टेम्पर्ड मैंने इसमें पहना दिया, बैक ग्लास भी मैंने पहना दिया, बस इसमें कैमरा मैंने नहीं पहना है, कैमरा का लेंस नहीं पहना है, वो भी बहुत जल्द खरीदूंगा। और ये मैंने कवर खरीदा है, सब जो भी इसका एसेसरीज है वो सब मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया था, नॉट स्पॉन्सर्ड। और इसका बहुत ही मस्त है व्हाइट कलर, क्या प्रीमियम लगता है गाइस। और फिलहाल तो प्लान ऐसा कुछ है कि इसका वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कर लो यार, वो जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन उसको दबा के काला कर दो और घंटी का जरूर बजा लेना। तो फिलहाल अभी प्लान ऐसा कुछ है कि आप लोग को यही, अभी तो सेल चल रहा है दिवाली में, इसका भी प्राइस 35,000। मैंने इसको जो परचेस किया था रात के 12-1 बजे तक जाग के, और एक बहुत ही मस्त सा इंसिडेंट हुआ था वो कि मैं जितना बार ऑर्डर करने जा रहा था, ऐड टू कार्ट मैंने करके रखा था, जितना बार मैं ऑर्डर करने जा रहा था आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। लेकिन आप लोग इसको पहले से ऐड टू कार्ट करके रख सकते हैं और परचेस किया कर सकते हैं। और जैसे मैंने बोला है कि भाई जब भी रश आवर रहे, तो अभी तो रश आवर फिलहाल खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी अगर इन दी फ्यूचर अगर फिर से कोई ऐसा आता है तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग ऐड टू कार्ट करके रखिएगा। अगर आप लोग EMI ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर दूसरा कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं, मान के चलिए आप लोग क्रेडिट कार्ड से खरीद रहे हैं या फिर EMI ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो आप लोग कार्ड को पहले से ऐड करके रखिए। और आप लोग CVV को जब पेमेंट करते रहे, CVV बस देके उसको प्लेस ऑर्डर कर दीजिए। और जहां पर आपका एड्रेस हो रहा है भाई देख लो, कभी कभी एड्रेस का भी इशू आ जाता है। और फ्लिपकार्ट ने कुछ ऐसा ऐसा करता है भाई, क्या बताओ, मैंने जब इसको परचेस किया था अराउंड 30,000, लेकिन तुरंत भर में मतलब 29,999 का था। और ये पता नहीं फ्लिपकार्ट ने क्या नया रूल चालू कर दिया, +29 डिलीवरी सिक्योर चार्ज, लेकिन 29 की जगह मेरे को 64 रुपीज पड़ा था, जिसके अराउंड मेरे को 30,028 रुपीज पे करना पड़ा था, जो ओवरथिट है मेरे लिए। लेकिन फिर भी जो एक मिडिल क्लास फैमिली से जैसे मैं हूं भाई, पहला बार लाइफ में आईफोन को पकड़ रहा हूं, मैंने तो सोचा था कि आईफोन 10R ले लूंगा, 1 साल ले लूंगा, सेकंड हैंड कैसीपाई से, नॉट स्पॉन्सर। लेकिन मैं इसको अभी इसलिए यूज कर रहा हूँ एज ए प्राइमरी डिवाइस। और आप जिससे अभी वीडियो देख रहे हैं वो है मेरा रेडमी नोट 10S, जो अभी 30 FPS 1080p 30 FPS पे शूट कर रहा है, 60 FPS शूट कर रहा है, बहुत ही मस्त इसका भाई रिजल्ट है। तो ये 2 डिवाइस मैं यूज कर रहा हूँ अभी फिलहाल। फिलहाल अभी चलते हैं हम लोग, और स्टे ट्यून्ड, वीडियो को देखते रहिए। आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और वीडियो कैसे पसंद है यार कमेंट करना, वीडियो शेयर भी कर देना। तो मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।